नमस्कार, पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीरज चुग आज के मुख्य समाचार के साथ। विश्व में कोरोना वायरस के मामले हुए 4,68,00,000 से अधिक। अमेरिका में 94,00,000 से अधिक। पूरे भारत में 82,00,000 से अधिक मामले हुए। भारत में मृतकों का आंकड़ा 1,22,000 तक पहुंचा। वल्लभगढ़ में नीतिका कांड को लेकर हुई सब समाज पंचायत में हंगामा। फरीदाबाद वल्लभगढ़ हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की घोषणा, लव जिहाद को लेकर हरियाणा सरकार जल्द बनाएगी कानून, बना रही है योजना। बिहार विधानसभा के लिए कल 3 नवंबर को होंगे दूसरे चरण के चुनाव। प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर को 4 चुनावी सभाओं में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए किए प्रहार। कहा, दो युवराज सिंहासन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिरसा में गुलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे। किसानों के आंदोलन को देखकर विधायक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने दूसरे गेट से स्टेडियम पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के अवसर पर करनाल में खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने रोहतक में खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन पर तेज। भरतपुर के पास रेलवे लाइन पर गुर्जरों का धरना। दिल्ली मुंबई रूट की ट्रेनों का रास्ता बदला गया। श्रीनगर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। हिजबुल का कमांडर इस मुठभेड़ में मारा गया। सैनिक बलों की बड़ी कामयाबी। अक्टूबर में कोरोना महामारी में मिली बड़ी राहत। 30% मामले हुए कम। देश में सक्रिय कोरोना के मामले 6,00,000 से नीचे आए। कोरोना महामारी के बीच अक्टूबर महीने में जीएसटी से 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व सरकार के पास आएगा। तो जुड़े रहे पल पल के साथ, नई अपडेट्स लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।